कभी मन किसी के रूप सौंदर्य को देख करके फिसलने न पाए, ये चरित्र का हिस्सा है, मेन पॉइंट है। कितने लोगों का मन तो इतना डामाडोल है, वो हरिद्वार गए तो हरिद्वारी दास बन गए, मथुरा गए तो मथुरा लाल बन गए, उनका कोई ठिकाना ही नहीं है। मजबूत चरित्र होना चाहिए। चरित्रहीन व्यक्ति अधिक दिनों तक उन्नति नहीं कर सकता है, और जितनी ऊंचाई पर उसको चढ़ना चाहिए उतनी ऊंचाई को छू नहीं सकता है। इसलिए बहुत जिसको आगे जाना है उसे अपने आप को चरित्रवान बनाना चाहिए। व्यभिचार मत कीजिए, चरित्रवान बनिए। हर आदमी आपके ऊपर आंख मूंद कर भरोसा कर सके। कितने भक्तों के घरों में कभी कभी रहा हूं तो जिस कमरे में उनका रुपया रखा है उसमें मुझे बिस्तर दे दिया और बंदूक भी रखी, तो मैंने कहा इसमें क्यों मुझे रखा है, बंदूक भी है रुपया भी है। अरे बोले इसमें सोना चांदी भी है, तुमने मुझे क्यों रखा, मैं कुछ गड़बड़ कर दूं तो? बोले अगर तुम गड़बड़ कर दोगे तो समझ लो भगवान भी गड़बड़ कर सकता है, मुझे पक्का भरोसा है। तो मैं हंसा, हमने कहा गड़बड़ नहीं होगा, तुम निश्चिंत रहो, पर ऐसे सबको मत रखना यार। अब मुझे फिक्र हो गई उसकी बंदूक बचाऊं, रुपया बचाऊं, सोना चांदी बचाऊं, डबल ताला लगवाऊं, मैं फिक्र में पड़ गया। मैं किसी के घर कहीं रहता हूं तो फिक्र रखता हूं, लापरवाही नहीं करता। हाँ, ख्याल रखो उनका। और चौथी चीज है जो आपके भाग्य को सौभाग्य में बदलती है, उसका नाम है वाणी। वाणी जो तुम बोलते थे, इसलिए बोलना भी आना चाहिए। बोलना तो सबको आता है, लेकिन क्या बोलना चाहिए, कहां पर, कब, क्या, कितना बोलना चाहिए, ये लोगों को नहीं आता। वो तो जन्म हुआ उसके 1.5 साल के बाद सब बोलना शुरू किए हैं, जब तक मरेंगे नहीं तब तक तो बोलते ही रहेंगे सब, लेकिन जितना ही बोलते उतने ही गड़बड़ होता जा रहा। बोलना, कहां क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कब चुप होना चाहिए, इस बात का जिसको विवेक पैदा हो गया है उसकी वाणी अमृत वाणी बन जाती है, और उसकी वाणी में जादू तैयार हो जाता है। तेरी वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। बोलिए वेदानंद। तेरी वाणी में अमृत भरा है, जो जमाने में मिलता नहीं है। तेरी नजरों में जादू भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। तेरे नजरा